नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा रेनोकुलस। ये देखिए रेनोकुलस के जो बल्ब हैं इंपोर्टेड, बहुत ही बढ़िया बल्ब है और इसके फूल तो देखने लायक होते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या इनका साइज है और ये है सूखे हुए बल्ब। तो आज मैं इसको बताऊंगा कि लगाने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग लगाते हैं लेकिन कहते हैं जर्मिनेट नहीं हुआ, खराब हो गया। तो ये देखिए सूखे हुए बल्ब होते हैं, इसको लगाने का तरीका जो है पूरा मैं बताऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। और उससे पहले मैं दिखा दूं कि यही बल्ब जो है जब पानी में भीगते हैं तो ये देखिए ये साइज हो जाता है इनका, ये और ये, इससे दुगना तिगुना जो है ना साइज बन गया। ये हमने पानी में ओवरनाइट सोक किया है, ओवरनाइट सोक करने के बाद ये ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं लोग कि इसको लगाने का तरीका, मिट्टी में डालते हैं और लगा के ढक देते हैं, पानी डालते हैं ज़्यादा। कोई भी ट्यूबर आप लगाते हैं, कोई भी बल्ब लगाते हैं तो पानी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर इसमें फंगस लगने में तो मिनटों का टाइम लगता है, मतलब ज़रा सा आपने गलती की नहीं और ये सड़ जाएगा। तो ये देखिए सूखे हुए बल्ब होते हैं, भीगने के बाद ऐसा हो गया। जब ये भीग जाए ओवरनाइट, पहली बात तो भिगाना है तो हल्का सा वेबस्टीन या जो ट्राइकोडर्मा है या आपका साफ है वो पानी में डाल लें, उसमें भीग जाएगा। भीगने के बाद ऐसा हो गया दोस्तों ये, और ऐसा होने के बाद क्या करना है, आपने ज़मीन में नहीं लगाना है। ध्यान से सुने, इसको ज़मीन में नहीं लगाना है या गमले में डायरेक्टली नहीं लगाना है। ये देखिए हम इसमें से भीगे हुए उनको निकाल रहे हैं, बल्ब्स को या ट्यूबर्स को निकाल दिया हमने। और इसके बाद क्या करना है, कहाँ लगाना है आप पूछेंगे, अगर ज़मीन में लगाना, गमले में लगाना तो कहाँ लगाना है। ये देखिए इसमें लगाएंगे हम इसको जर्मिनेट करने के लिए। और ये क्या है, ये जो है पीट मॉस है। ये पीट मॉस जो है ये बाहर से आता है और बहुत ही बढ़िया होता है, इसमें कोई जो है फंगस और उसकी दिक्कत नहीं रहती है। ये देखिए पीट मॉस। तो हमको क्या करना है कि ये ओवरनाइट सोक करने के बाद जो ट्राइकोडर्मा है साफ है उसमें डाल के, और इसको हमें ऐसे देखिए इसमें ये इस तरह से रख देना है। ये हमने एक रख दिया, इसको ढक दिया पूरी तरह से। ये हमने देखिए दूसरा रख दिया ऐसे और इसको ढक दिया। ये तीसरा रख दिया हमने दोस्तों, इस तरह से ढक दिया। और छठे को हम ऐसे इसको ऊपरला पोर्शन ऐसे रख देंगे और इसको पूरी तरह से ढक देना है। अब इसको किसी कमरे में या किसी में नहीं रखना है, मतलब कि रखना ऐसी जगह पर है जहाँ पर इसको थोड़ी सी धूप मिले और हवा जो है वो मिलती रहे। तो ये हमारा क्या होगा, 7 से 8 दिन के अंदर शूट और रूट दोनों निकल आएगा। तो मैं आपको 7 से 8 दिन की कंडीशन दिखाऊंगा, जब कैसा हो जाएगा तब हमें इसको प्लांटेशन जमीन में गमले में तब करना है, तो ये सर्वाइवल रेट पूरा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, 8 दिन बाद हम मिल रहे हैं इन रेनोकुलस बल्ब का, जो ये मैंने दिखाया था ये ट्यूबर्स हम दे रहे हैं। और इसको मैंने आपको बताया था कि ओवरनाइट सोक करके कैसे जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट करने के लिए ओवरनाइट सोक करने के बाद हमने इस मॉस पीट मॉस के अंदर रखा था। और ये देखिए आपके सामने पीट मॉस के अंदर है, अभी मैं आपके सामने ही निकालूंगा और उसकी जर्मिनेशन देखना। ये देखिए ये तो जो है बिल्कुल ही बाहर आ गया है, ये देखें इसका जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हो गया है। और जैसे कि मैंने बताया 5, 6, 4 जो भी जर्मिनेशन इसकी निकल सकती है, देखिए एक ये निकल गया, ये निकल रहा है, एक ये और निकल रहा है, 3 तो अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इसकी रूट निकलती है और ये जर्मिनेटेड हो गया। लोग कहते हैं कि जर्मिनेटेड नहीं भेजते, जर्मिनेटेड बताइए, इसमें ये जर्मिनेटेड रुकेगा ड्यूरिंग द ट्रांजिस्ट, मतलब कि जो जाएगा कुरियर में तो ये तो टूट ही जाएगा। तो इसलिए हम जर्मिनेशन का जो तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से आपने देखिए जर्मिनेट करना है। अब दूसरा भी निकालता हूँ मैं आपको, ये देखिए दूसरे में से भी देखिए, ये 4 जो है ये आप देख रहे हैं 4 शूट निकलने को तैयार है बिल्कुल। और ये इसकी रूटिंग देखिए कि रूटिंग भी बढ़िया आ रही है। तो इस तरह से ये जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर मिट्टी में लगाएंगे तो ये पौधा मर सकता है, क्योंकि पानी हम कहीं ना कहीं ज़्यादा डाल देते हैं या कहीं बारिश होगी या किसी माली ने डाल दिया, किसी वर्कर ने डाल दिया, तो भी दिक्कत होती है। अब ये देखिए इसमें से जो शूट मैं कहता हूँ कि 4, 6, 8, 10, इसमें से देखिए 2, ये 2, 4 और ये 2, 6, ये 6 शूट जो है इसमें निकलने को तैयार हैं, तो 6 पौधा निकल जाएगा। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि इस रेनोकुलस के बल्बों को आपने क्या करना है, कोई छोटे गमले में नहीं लगाना है बल्ब्स को। पौधा तो आप लगा सकते हैं अगर पौध मिलती है तो, लेकिन इन बल्ब्स को इसलिए एक बड़े गमले में प्रेफर करता हूँ, कम से कम 10 इंची, क्योंकि इसके 5, 6, 7, 8 पौधे होंगे तो जितनी जगह मिलेगी उस हिसाब से फ्लावरिंग जो है पूरी भर के आपकी आएगी। तो अगला बल्ब भी निकाल लेते हैं, हमने 6 इसमें लगाए थे, 6 कलर के एक एक लगाए थे। और आपको ये दिखा दूँ
कि जर्मिनेशन जो है इसकी 100% रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये चौथा बल्ब भी निकल आया और हम इसमें से पांचवा और छठा बल्ब और निकालने वाले हैं। ये देखिए ये निकल गया हमारा पांचवा बल्ब। देखिए इसमें भी जर्मिनेशन पूरा आ रहा है, रूटिंग हो गई है इसकी। पांच बल्ब निकल आए, अब हम छठा, ये देखिए तो छठा भी जो है रूटिंग, देखिए इसकी रूटिंग शुरू हो गई है, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है ये। तो हमने 14 तारीख को आपको ये जर्मिनेट करने के लिए रखा था और 14 से आज 22 तारीख हो गई। ये देखिए ये रेनुकुलस के जो ये बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हम भेज रहे हैं सूखे हुए, ये इस तरह के जर्मिनेशन में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इसको लगाना है गमले में या जैसे भी जहाँ भी लगाना है आपने ज़मीन में लगाना है तो उसको लगाना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका पूरा तरीका कि इसकी कैसी मिट्टी होनी चाहिए और कहाँ तक इसको हम मिट्टी में दबाएंगे, कितनी मिट्टी इसके ऊपर रहेगी या साइडों में रहेगी, कैसी मिट्टी रहेगी, क्या खाद हम डालने वाले हैं। तो आइए हम कंप्लीट जानकारी इसको देते हैं ताकि इस विदेशी फूल से आप ही अपने घर को रंग बिरंगा बना सकें और इसका लुत्फ़ उठा सकें। दोस्तों ये देखिए ये जो जर्मिनेटेड हमारी ये हो गए रेनुकुलस के बल्ब्स हो गए जो मैंने आपको दिखा दिया। अब इनको लगाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले लिया है ये 10 इंची का प्लास्टिक का पॉट ले लिया है, मिट्टी का पॉट भी ले सकते हैं आप, जिस मर्जी पॉट में इस मौसम में लगा सकते हैं क्योंकि मौसम ठंडा रहेगा तो इसमें पकने का या उबलने का कोई चांस नहीं रहता है। तो ये हमने ले लिया हमारी मिट्टी जो है, जैसे हम बताते हैं कि 6 भाग मिट्टी का है, 2 भाग लीप कंपोस्ट का है और आधा जिस भी मेजरमेंट का आधा जो है हमारा ये कैल्शियम पाउडर होता है और 1/4 मेजरमेंट का ये नीम खली होती है। तो ये लीप कंपोस्ट देखिए, ये लीप कंपोस्ट है, ये नीम खली है और ये कैल्शियम पाउडर है। साथ में हम एक्टिवेट, इन सब को एक्टिवेट करने के लिए डालते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, ये डाल करके और हम इसमें लगाएंगे। अब मिट्टी तो ऑलरेडी मिक्स है, थोड़ा थोड़ा जहाँ हम बल्ब लगाएंगे तो इन चीज़ों की थोड़ी मात्रा उसके आसपास में डाल देंगे ताकि रूट्स अभी इसके बड़े नहीं हैं, पास में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा तो ये रूट्स जो है डेवलपमेंट इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारा जो पौधा है आगे आने वाले 15 दिन में ही आपको मैं दिखाऊंगा अपडेट कि कितना भरा हुआ प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर लीफ कंपोस्ट के अंदर ये कार्बन मिला लिया है और ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो इसका लगाने का तरीका आप देखिए कि कैसे लगाना है, बड़ा ही जो सिंपल तरीका है लेकिन ध्यान रखने योग्य है। मेनली क्या होता है कि हम लगाते हैं, ये बल्ब उठाया हमने, ये प्री जर्मिनेटेड है, लगाने का मतलब है ये लीजिए लगाया और ये ढक दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका पौधा, आपका बचेगा नहीं। ये हम ऑलरेडी पहले ही हम इसके अंदर क्या करें हमने कि वो डाल रखा है ट्राइकोडर्मा जो पाउडर होता है उसके अंदर इसको हमने भिगो के लगाया था। फिर भी अगर सेफ्टी पे चाहें तो थोड़ा थोड़ा ट्राइकोडर्मा पाउडर हम डाल सकते हैं लगाने के, लेकिन हम ऑलरेडी मिट्टी में मिक्स कर चुके हैं। हम क्या डालेंगे, बस ये देखिए ऊपर से थोड़ी सी, मतलब कहने का आधी मुट्ठी नीम खली सबके अंदर डाल देंगे ताकि सेफ्टी पॉइंट बना रहे, है ना। और इसके बाद हम डालते हैं ये देखिए एक मुट्ठी हम लीफ कंपोस्ट हम सब में डाल देंगे अभी ऊपर से ताकि थोड़ा सा काम रहे, और आधा आधा मुट्ठी हम इसमें स्टोन पाउडर डालेंगे ऐसे, ये देखिए, और इस मिट्टी को यहाँ कर देंगे थोड़ा इंटेंसली, इसको मिल जाएगा खाद तो जो रूट हैं टेंडर रूट्स उनको अभी फैले नहीं हैं तो न्यूट्रिशन सही मिल जाएगा और सेफ्टी भी मिल जाएगी। तो हमने ये किया और इस बल्ब को हमें देखिए सिर्फ ऐसे करना है, ये इतना रखना है और ऐसे कि इसका जो शूट है शूटिंग पोर्शन आपको ऊपर दिखाई देता रहे, ये देखिए इस तरह से लगाना है। ज़्यादा मिट्टी हो गमले में तो आपने क्या करना है कि देखिए ऊंचाई यहाँ बीच में कर लेनी है, ये इस तरह से ऊंचाई हमने कर ली और चारों साइड में नीचे हिस्सा रहने दिया ताकि इसके ऊपर दोबारा से मिट्टी ना पड़े। ये देखिए ऐसे कर लो आप, थोड़ा सा सेंटर में ऊँचा कर लो, सेंटर में ऊँचा करके और इस तरह से हमने इसको लगा देना है, ऊपर का पोर्शन आपको दिखाई देता रहे। रखना आपको पूरे सनलाइट में है, ये नहीं कि छाया में रख दिया ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है, चाहिए इसको धूप पूरी। ये देखिए इसका शूट तो बिल्कुल ही ऊपर आया हुआ है, बाकी भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से आपने इन पौधों को लगा लेना है और पानी डालने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पानी कितनी मात्रा में हमने डालना है ताकि हमारा पौधा जो है वो नुकसान ना हो, हमारे पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले और हमारा पौधा जो है वो पूरी तरह से ब्लूम करेगा।
अब हम पानी डालेंगे दोस्तों, और देखिए कैसे डालेंगे। हर एक के घर में फुहारा नहीं होता, ये नहीं होता है, तो ये पानी लेंगे और ज़्यादा नहीं, हम इसके अंदर 250 ml पानी डालेंगे। जस्ट इसको हमें गीला करना है। ये देखिए ये हो गया, इस तरह से हमने पानी डालना है कि ये जो है इसके साथ बस ये गीला रहे। ये नहीं कि पाइप उठाया और पूरा का पूरा पानी से भर दिया, ऐसा नहीं करना है हमने। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये कि ये जैसे पानी पड़ा तो इसका जो दिखने लग गया है, बस इतना पानी हमने डालना है कि ये ट्यूबर के आसपास की मिट्टी गीली हो और इसका जो रूट डेवलपमेंट हो वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। अगर लगे आपको पानी डालने से जो है इसका ज़्यादा हो गया है, मिट्टी निकल गई है, तो आप फिर पानी डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका ढका हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमने लगाया, इस तरह दिखने लग गया, तो थोड़ा सा हम मिट्टी इसके आगे कर देंगे और धूप में, कम्प्लीटली धूप में रखना है आपने, ताकि जो इसकी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। तो पानी हमें देखिए 1 लीटर के अंदर हमने ये 6 गमलों में डाल दिया, तो आप समझ सकते होंगे कि कितना पानी हमने इसमें डाला है। तो इतना ही पानी आपको डालना है, ये नहीं कि पूरा पानी से भर दिया और इसके बाद गल गया मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्टली बल्ब हैं, बाहर के बल्ब हैं, इम्पोर्टेड हैं, तो नेचुरल सी बात है महंगा होता है। तो इस तरह से आप केयर करेंगे और देखिए कि इसको 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर तो इतना इतना बड़ा पौधा हो जाएगा इसमें। 1 हफ्ते में बिल्कुल हरा भरा गमला ये होने वाला है। अब जैसे ये हो गया, इसके अंदर देखिए कि ज़्यादा ऊंचा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी इसके आसपास में देखिए लगा देना है, ढक देना है। अब पानी कितने दिन में डालना है, जब ही आपको महसूस हो कि गमला पूरी तरह से सूख गया है तभी आपने पानी डालना है, अन्यथा पानी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। ये नहीं कि बस डाल दिया, ऐसा नहीं करना आपने। धन्यवाद दोस्तों, लगाइए और अपने घर में भी रेनुकुलस के फूलों का आनंद लीजिए।